आज 129वीं अंबेडकर जी की जयंती है, तो उन्हीं के उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था। हमारा ये पंडाल आज से नहीं 19 साल से हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं और बाबा साहब की जयंती को इसी तरीके से धूमधाम से हम लोग मनाते आ रहे हैं। अरे बाबा तेरा मिशन अधूरा करे पूरा कौन जहान में, अरे कपटी बट्टा लगा रहे हैं बाबा तेरी शान में, कपटी बट्टा लगा रहे हैं बाबा तेरी शान में। हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं उन्होंने इतना कुछ झेलते हुए भी उन्हें पढ़ने के लिए भी स्कूल के बाहर उन्होंने खड़े होकर अपनी पढ़ाई करी है पूरी, स्कूल के अंदर तक उन्हें एंट्री नहीं मिलती थी। तो आज हमारे भी वही हालत होती अगर वो यहाँ पर उन्होंने संविधान ना लिखा होता और हमें न्याय ना दिलवाया होता। बट आज बाबा साहेब की बदौलत ही आज हम लोग इतने बराबर में चल रहे लोगों के, वरना हम लोग को इतना हक भी, चाहे हम पढ़े लिखे क्यों ना हो लेकिन हम कभी बराबरी नहीं पहुँच पाते थे उन लोगों के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश में हर तबके के लिए कुछ किया है, ही वॉज द ट्रू आइकन ऑफ इक्वेलिटी। तीन चीज़ें थी उनकी तरफ से जो आई थी, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। अगर ये तीन चीज़ हम करते रहेंगे तो संविधान को बचा पाएंगे। कई ऐसी बातें जिनके ऊपर अभी एक तरीके का पर्दा डला हुआ था वो एक तरीके से बेनकाब हो गई है, और सत्ता की तरफ से वो लोग जो राइट विंग दक्षिणपंथी ताकतें हमारे देश में हैं वो क्या चाहती हैं वास्तव में, ये बिल्कुल साफ हो गया। आज़ादी हासिल करना आसान था लेकिन उसको बचाना उससे ज़्यादा कठिन है, उससे बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते रहते हैं आए दिन लोग जो है अपनी मानसिकता के साथ, जो संकुचित मानसिकता के साथ है, वापस से लोगों को एक ऐसी जगह भेज देना चाह रहे हैं, ऐसे स्थान पे डाल देना चाह रहे हैं जिससे वो वापस से जो उनका आज़ादी है वो ख़त्म कर दी जाए, और ये इसको बचाने का संघर्ष है हमारा। सबसे बड़ा हमला इस रूप में आ रहा है कि हमारे समाज का एक बंटवारा कर रहे हैं, और बंटवारा इस सफाई के साथ में किया जा रहा है कि कुल मिला के जो हमारा डाउन ट्रॉडन, जो हमारा दलित समुदाय हमारे देश का था और जिसकी आकांक्षाएं थी कि वो बाबा साहब के बाद में ऐसे एक रास्ते पे आगे जाए जहाँ पे समाज की इन बुराइयों को, इन चुनौतियों से वो लड़ पाए, वो ज़्यादा घनीभूत होकर आज उसके सामने आ गई, और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक डिवीज़न करके उनको उसी हिंदुत्ववादी फोल्ड के भीतर ले लिया जाए। सो नेचुरली द वर्किंग क्लास हु एम्ब्रेसेस द एंटायर दलित कम्युनिटी हु प्रोड्यूस ऑयल बोथ इन द फील्ड्स एंड इन द सिटी, विदाउट होम दिस सोसाइटी कैन नॉट मूव इवन एन इंच, right from the safai mazdoor to those who are in the production in the field or those who are joining in harvesting the crops. Mostly they are dominated, the landless people are dominated by the people of Dalit community or the backward section of our whole caste system. So in that kind of a system situation, the class struggle is the only weapon. And through that, the working class movement has its goal of eradicating the exploitation of man by man through establishment of socialism. आखिर में कहते हैं दादा साहब ये मेरा संविधान नहीं है, ये पास हुआ बहुमत से, ये मेरा संविधान नहीं है, ये पास हुआ बहुमत से, ये विधान पूंजीवादी है अल्पजनों के मत से, गरीब आज भी इसीलिए जीवन जीते जिल्लत से, चूसने वाले रहते या महलों में इज्जत से। रतन गंभीर हम बदलेंगे देगा वक्त गवाही, अगर सदन में हुई नहीं थी तेरे मन की चाही, मगर सदन में हुई नहीं थी तेरे मन की चाही। Thank you.